साल बाद नहीं माने जाएंगे तब तक आप फटेंगे नहीं। हमारा एक भाई राहुल जिसकी जिसको कल नामालूम बंदूकधारों ने गोली मार के शहीद कर दिया। हम लोग इसके हक में इस वक्त यहाँ सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इसका इसकी फैमिली को रिहैबिलिटेट किया जाए, मगर जम्मू में कंपनसेशन दिया जाए, इसकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए तक का कंपनसेशन दिया जाए, इसके बच्चे को एजुकेशन फ्री एजुकेशन दी जाए। Many a times we felt that things would turn fine here, we would resettle again as in our yester years before 90s how we were living here. Many times that just like 2016 or 317 revocation article, we still put stay here that things would turn green or we would live freely, but this is no security at all. We are being killed in our workplaces, on our chairs where we are working. हमारे लिए कोई सेफ्टी नहीं है। अभी मैं अपनी बात बताऊँ, मेरे पास बड़गाम में मैं सर्विस कर रहा हूँ और मेरे को बड़गाम का पूरा एरिया पड़ता है। मुझे ये बताइए कि मैं कहाँ कहाँ पे जाऊँगा। जब वो तहसील में बैठ के सेफ नहीं है तो क्या मैं इलाके में सेफ हूँ? So life is at stake. We cannot work. We cannot expect ourselves to work for menial civil jobs just to be hit and being killed by bullets. Even the media has been stopped here. देखे जो पीस की बात हो रही है यहाँ पर पीस कभी नहीं था। ये उनको भी पता है, ये मीडिया को भी पता है, यहाँ पर पीस कभी नहीं आया था। अगर हम आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात करेंगे, वो भी उनकी सरकार थी तब सेंटर में, तब यहाँ पर खराबी हुई, यहाँ पर सिखों को मारा गया। अगर अभी भी सरकार वहाँ पर है तो फिर से वही चीज़ जो जिनोसाइड हो चुका था फिर से रिपीटिशन हो रहा है। सो हम लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। हम अपने बच्चों को यतीम नहीं करना चाहते हैं। हमारा यही है कि अगर आप हमारे इन चीज़ों का समाधान करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो वी आर रेडी टू रिज़ाइन, वी आर रिज़ाइनिंग एट अ मास लेवल।